फ्रेंड्स, आज मैंने अपने किचन में मशरूम घी रोस्ट की रेसिपी शेयर की है, जो साउथ की रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए इसकी रेसिपी मैंने आज आपके साथ शेयर करती हूँ। मशरूम घी रोस्ट बनाने के लिए मैंने ये मशरूम ले लिया है और ये करीब 200 ग्राम की पैकेज ही आती है, तो आप कोशिश करें कि फ्रेश मशरूम लें। जैसे ये देखिए, काफ़ी सफ़ेद सफ़ेद दिख रही हैं, जिसमें थोड़ी दाग धब्बे हो जाते हैं ना ज़्यादा, तो वो ना लें। तो इस तरह आप इसको ले लें और इसे अच्छी तरह से पहले 2-3 पानी अच्छी तरह से धो लें, फिर इसका हम कट करेंगे। अब हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने थोड़े काजू ले लिया है और ये करीब 10-15 काजू हैं और मैं इसमें 3-4 ही मिर्च डालूंगी, बाकी कश्मीरी मिर्च डालूंगी। ये एक्चुअली तीखी मिर्च है, इसलिए मैं इसे इतना ही डालूंगी। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च का है तो वो डाल सकते हैं, वो तीखा थोड़ा कम होता है। अब हम इसमें थोड़ा पानी डालकर इसे भीगने के लिए रख देंगे। 20 मिनट में ये अच्छे से सोख हो जाएगी, तब तक हम दूसरे मसाले की तैयारी कर लेते हैं। इसमें हम 2 चम्मच के लगभग धनिया डालेंगे, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच ये खसखस पॉपी सीड्स, मेथी करीब 1/4 चम्मच, मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि इससे थोड़ा कड़वा टेस्ट आता है, 1 चम्मच सरसों के दाने, आप कोई भी सरसों ले सकते हैं, पीली या काली, आपके पास जो अवेलेबल है वो डाल सकते हैं, और ये थोड़ी सी गोल मिर्च, ये मैं 1 चम्मच से थोड़ा कम ही ली हूँ, आपको अगर 1 चम्मच लेना हो तो ले सकते हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा। हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। इसे हमें लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए भून सकते हैं। स्टार्टिंग में फ्लेम थोड़ा हाई रखिएगा, फिर जैसे ही ये गर्म हो जाए तो फिर लो कर दीजिएगा। मसालों से खुशबू अगर सौंधी सौंधी आने लगे तब आप गैस बंद कर दीजिएगा। मसाला मेरा भून चुका है और ये अब ठंडा भी हो चुका है, तो मैं इसे अब एक जार में डालकर इसको ग्राइंड कर लूँगी। सबसे पहले इसे हम सूखा ही ग्राइंड करेंगे, फिर बाद में हम काजू और मिर्च का ये डालेंगे इसमें। और देखिए, इस तरह मैंने सूखा मसाला ग्राइंड कर लिया है और अब मैं इसमें काजू और मिर्च को डाल दूंगी और इसे एकदम फाइन पेस्ट बनाना है। और ये देखिए, मसाला को इस तरह मैंने पीस लिया है। अब मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, इसे थोड़ा कलर अच्छा आएगा। 1 चम्मच ये इमली का पल्प है, 1 से 1.5 चम्मच करीब डाल दीजिएगा। थोड़ा सा गुड़, इमली की खटास को थोड़ा बैलेंस करेगा, और इसे मैं फिर से ग्राइंड कर लूँगी और इसे एकदम फाइन पेस्ट बनाना है। अब देखिए, ये बहुत ही अच्छे से पिस गई है। थोड़ा सा पानी मुझे और ऐड करना पड़ा था, तो अगर पीसते वक्त थोड़ा पानी कम हो जाए तो आप ऐड कर दीजिएगा। अब मसाला मेरा रेडी हो गया है, तो मशरूम को भी मैंने धोकर अच्छे से रख लिया। अब इसे मैं 2 टुकड़ों में कट कर लूँगी, बस बिल्कुल इस तरह 2 टुकड़ों में कट करना है। मेरे कट गए हैं और अब मैं गैस पर कढ़ाई बिठा दूंगी। चूंकि मैं मशरूम घी रोस्ट बना रही हूँ, इसलिए मशरूम को हमें घी में ही भूनना है। घी मेल्ट हो गया तो अब मैं इसमें मशरूम डाल दूंगी। थोड़ा सा हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, इसे हमें मीडियम टू हाई फ्लेम में ही भूनना है, लो फ्लेम में मत भूनिएगा, नहीं तो ये बहुत सारा पानी रिलीज कर देगी। इसे बस 3-4 मिनट ही भूनना है और उसके बाद बस इसे हटा लेना है। तो ये अब रेडी हो गया, इसे मैं अब हटा दूँगी। फ्रेंड्स, मैं मसाले में लहसुन डालना भूल गई थी, तो इसे मैं डाल देती हूँ और इस एक बार फिर से इसे ग्राइंड कर लूँगी। इस रेसिपी में अदरक का प्रयोग नहीं है, लेकिन लहसुन जरूर डालना है, तो इसे फिर से पीस लेंगे। गैस पर मैंने फिर से कढ़ाई बिठा दिया है और इसमें फिर से मैं घी डालूँगी। इसे घी में ही बनाना है, इसलिए घी फिर से हमें डालना है। घी जब मेल्ट हो जाए तब इसमें हम 1 प्याज डालेंगे। ये मीडियम साइज का 1 प्याज है और इसे हमें हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, लेकिन थोड़ा ब्राउन हो जाना चाहिए। और इसमें कोई जीरा या सरसों का तड़का वगैरह कुछ नहीं डालना है, बस इसे ऐसे ही भून लेना है। प्याज भून गया है तो अब मैं इसमें ये मसाला डाल दूंगी।
मसाले को हमें अच्छे से एकदम 10-15 मिनट तक भूनना है। इस मसाले में मैं 2 चम्मच दही डाल रही हूँ, इसे भी मिक्स कर लेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक डाल देंगे। और ये देखिए मसाला मेरे अच्छे से भून रही है, तेल भी छोड़ने लगा है और कलर भी थोड़ा डार्क होने लगा है। तो इसी तरह आपको भूनना है, 10 से 15 मिनट लग जाएंगे आपको मसाले भूनते हुए। तो 1-2 मिनट मैं अभी और भूनूंगी, तो उसके बाद फिर मैं मशरूम डाल दूंगी। मसाला अच्छे से भून गई है तो अब मैं इसमें मशरूम डालूंगी और इसे मिक्स करेंगे। इसे भी 1-2 मिनट तक हम भूनेंगे। चूंकि ये साउथ की रेसिपी है तो इसमें करी पत्ता तो जरूर डालना होगा, तो आप इसमें जरूर डालिएगा, स्किप मत कीजिएगा, इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आ जाता है। इसे 1-2 मिनट भून लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि मसाले अंदर तक इसमें चले जाएं। और इसकी ग्रेवी पतली नहीं होती है, थिक ही ग्रेवी रहती है। तो इसे इसी तरह ही हमें लटपट ही रखना है और ये बहुत टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। तो एक बार आप ज़रूर अपने घर में इसे ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये बनकर तैयार हो गया है। और अब हम इसमें लास्ट में नींबू का रस डाल देंगे। नींबू का रस स्किप मत कीजिएगा, इसमें ज़रूरी है। ये हमारा मशरूम घी रोस्ट थोड़ी खट्टी मीठी तीखी चटपटी सी तैयार हो गई है। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। मैंने देखिए मेरा मशरूम घी रोस्ट बनकर तैयार हो गया है और ये कितनी डिलीशियस लग रही है। आप इसे रोटी, नान, चपाती किसी के साथ भी परोस सकते हैं। और ये साउथ इंडियन डिश है तो मैंने इसे प्लेन डोसा के साथ परोसा है। तो आप इसका किसी के साथ भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, किसी के साथ भी ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी ज़रा सा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।